दया हो जाएगी, मेरे को 10-12 मुकदमा हो रहा है, 6-7 कोर्ट लेके, तो मैं नेता बन जाऊंगा। अभी अधूरा 35 साल की मेहनत, अभी सफलता नहीं मिल पाएगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि कई दिन पूर्व दर्ज हुए एक मुकदमे में नामजदगी से नाराज न्यामू गांव के पूर्व प्रधान लियाकत त्यागी की थाना प्रभारी से मोबाइल पर की गई बातचीत के अंश हैं। वायरल ऑडियो में लियाकत त्यागी कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि इंस्पेक्टर मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मेरे बारे में पता कर लो, मैं बड़ा नेता हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दो, फिर भी हिम्मत नहीं तुम में कि तुम मुझे गिरफ्तार कर लो। हेलो हेलो, लियाकत नेताजी बोल रहा हूँ, कोतवाल साहब। लियाकत नेताजी बोल रहा हूँ, नियामू साहब आपकी मेहरबानी हो जाएगी मेरे ऊपर, बहुत बड़ी दया हो जाएगी, मेरे को 10-12 मुकदमा हो रहा है, 6-7 कोर्ट लेके, तो मैं नेता बन जाऊंगा। अभी अधूरा 35 साल की मेहनत, अभी सफलता नहीं मिल पाएगी। और बताओ, आपका एहसान हो जाएगा अगर 6 मुकदमे और लिख जाए, कम से कम जाएगा शासन में दिखावा कुछ जाए, जब तो उसकी इज्जत हो। हाँ ठीक है, या जो गलत करेगा तो लिख ही जाएंगे। नहीं नहीं तो गलत, अरे भाई मैं तो आपका एहसान मानूंगा, बहुत से लोग तो मुकदमे तक चिढ़ते हैं, मैं एहसान मानता हूँ आदमी का जो है, आभारी रहूंगा आपका बहुत बड़ा। ठीक है ठीक है, मैं बहुत बड़ा आपका आभारी रहूंगा बड़े भाई। तो जो है मैं कदलो मंगवा लूँ, जो है जो सब फालतू लिखेंगे मुकदमे जो है, कितने हैं कितने बाकी शेष है, मैं मंगवा लूंगा। इन्हें फर्जी लिखते नहीं, जो असली होता है वो लिखते हैं। अच्छा, असली काम करते हो आप लोग। फर्जी अच्छा, इसलिए जिले में आपका नाम है कोतवाल साहब। हाँ बिल्कुल, जो सही काम है वही करते हैं। अच्छा अच्छा, चलो खैर कोई बात नहीं, लिखाने आएगा उसी को लिख देंगे। अरे भाई बड़े भाई बड़े भाई बड़े भाई, आपकी मेहरबानी हो जाएगी, मैं तो 35 साल की मेहनत में जो है बड़ी ठोकर खाई, बड़े नफे नुकसान करे। जी नहीं लिखते और ना किसी के दबाव मानते, जो सही काम है वही करते हैं। दबाव हमने आज तक कहा नहीं आपको, 4 मेरे फोन आए, भाई के बारे में बात करी, आपकी टोन मुझे पसंद नहीं आई, आपकी क्या अगर जिले के कप्तान साहब इस तरह की बात करो तो जो है वो भी अम्मानी बात है, उसको भी बर्दाश्त नहीं करते हम। ठीक है ना, हम कुछ नहीं करते। कोई अगर आपके पास, सुनो, जैसा मुकदमे है तो अगर कोई आपके पास ऐसी मशीन हो मेरा मकान गिराने की, आप में हिम्मत हो मेरे रेस्टिंग करने की, तो आप मुझे रेस्टिंग करना, और जो है आपको पता लगेगा कि लियाकत त्यागी नेताजी का कहाँ पाड़ा पड़ गया। ठीक है, ये लियाकत त्यागी नेता है, बड़े बड़े बहुबली नेता बनाए इनने और बहुत बहुत वो किया, आप गलत टोन पकड़ गए, आप मुझे समझ नहीं पाए। धमकी दे रहा, धमकी, ये मुकदमा लिख दो धमकी का, ये तो आपके हाथ में तस्करा डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल, तस्करा डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुमने कह दिया हाँ, जो तुम डालेंगे हाई कोर्ट खींच लूंगा, हाई कोर्ट जो तुमने मुझे कह दिया वो हाई कोर्ट खींचूंगा मैं आपको। क्या जो, कहीं भी खींच ले, जो आपने मुझे कहा ना हाई कोर्ट, और सुनो नौकरी खाऊंगा तुम्हारी, नौकरी इधर नोट कर ले, रिकॉर्ड कर ले, नौकरी खाऊंगा। हाँ सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सारा इसमें सारा हो रहा है, तुम भी रिकॉर्ड हो रहे इसको, जो मैं कह रहा हूँ वो है तुम्हारे अल्फाज जो बोले ना जिम्मेदार सम्मानित लोगों के क्षेत्र में, और तुम बोल रहे हैं इस बात को लेकर। कल प्रवेश कर रहा हूँ, परसों लख लाऊ चुनाव आयोग से बैठ कर बात करूंगा आमने सामने। ठीक है, इस सर्विस में बात करो, और बताओ इस सर्विस में लाल कलम लगेंगे आपके अल्फाजों के हिसाब से। हाँ आ जाओ। ठीक है, आपको जो है ना, और क्या लगवा रहे हो, क्या चीज और लगवा रहे हो कुछ लाल कलम के अलावा? लाल कलम लगेगी आपके अल्फाजों के, आपके अल्फाजी बहुत अच्छे लोगों से सम्मानित, आप कह रहे कोतवाली देके फलन देके, ये हमारा क्षेत्र है, हम क्षेत्र में रहेंगे, आप 4 दिन के मेहमान है यहाँ जी, ये हमारा क्षेत्र है, हम यहाँ नेतागिरी करेंगे, हम ही नेता रहेंगे, हम ही प्रधान रहेंगे। ठीक है, नौकरी खा रहे हो ना हमारी? हाँ नौकरी तुम्हारे अल्फाजों से नौकरी खाई जाएगी। तुम धमकी दे रहे हो ना, ये तस्करा डाल दो ना। हाँ अभी तस्करा तो बाद में पड़ेगा, तो पहले धमकी दो नौकरी खाओ। आप जो है गोली मार दियो, मतलब मेरा एनकाउंटर कर दियो, मेरा आप बहुबली हो जाके। अच्छा हाँ, मेरा एनकाउंटर कर देना, रिकॉर्ड बन जाएगा, आपको चार्ज मिल जाएगा, आप सीओ सीडी बन जाएंगे फिर। और बताओ, मैं बता दिया जो बताना, और आप हाथ जो है कुछ कहो। सुनो, मैंने ये वादा करा आपसे कि मेरे में वो क्षमता है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ बुलवाता हूँ फिर। ठीक है ठीक, और बताओ। मैं बता दिया ये अल्फाज आपके जहाँ चाहेंगे ना, मैं आपको कह रहा इंसानियत में कि भाई वहाँ रोड़ा हो गया, मैं गाँव में अभी आया हूँ, आप कह रहे कि झगड़ा हो गया, मैं तुमको नत्थी कर दूंगा, फला कर दूंगा, बिगड़ा कर दूंगा, लोगों के सिर तरवा दो रिश्वत लेकर। ठीक है, घूस लेकर सिर तरवा दो, हमें सूचना मिली नहीं, मगर सिर तरवा दो लोगों के घूस लेकर, घूस हाँ घूस लेकर सिर उतरवा दो लोगों के, गरीबों को करवा दो गाँव से। मेरे बारे में जान लिए पहले, जान लिए मैंने, अरे भाई मैंने जान लिया, सुनो
मैं प्रशासन से टकरा के ही जो है बहुत कुछ बना हूँ। तो मेरे बारे में चरताल थाने का इताज बोलियो और पता लगेगा कि मतलब लियाकत कौन है। हम वो शख्स है प्रशासन के लिए, हमने बदमाश दिए पकड़ के जो तुम्हारे बच्चे चूहे के बच्चे नहीं पकड़े गए, छह छह गोली खा रखी मारे आदमी ने सिर्फ, ठीक है, अपने शरीर के ऊपर कहा छह छह गोली। आपको क्या बताएंगे हम, आप मेरे को अधिकारी थोड़े के बताऊंगा। आनंद देव तिवारी ऐसे सीधे नहीं बताना, आनंद देव तिवारी तुम सक्षम है, हम भी सक्षम है, ठीक है, हम भी सक्षम है। वीडियो वायरल होने के बाद चरथावल थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह ने चुटभैया नेता की तलाश शुरू की। थाना प्रभारी महेंद्र पाल सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि नेताजी अपने साथियों के साथ कहीं जाने की फिराक में है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक स्विफ्ट कार को रुकने का इशारा किया तो चुटभैया नेता ने पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद चुटभैया नेता लियाकत निवासी न्यामू को गिरफ्तार कर लिया। थाना चरथावल में थाना प्रभारी से अभद्र भाषा में बात करने के संबंध में वायरल हुए ऑडियो के संबंध में अवगत कराना है कि संबंधित अपराधी लियाकत को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। वो जेल भेजा जा रहा है। अगले 7 दिनों में उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर की कार्रवाई के उपरांत 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अपराधी लियाकत व उसके साथियों व उसके परिवारजनों में जो भी लोग इस अपराधी गतिविधि में उसके साथ संलिप्त रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी की जाँच कर संबंधित की। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।